अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है? आज की नई वीडियो के साथ हाजिर है फैसल खान। सुबह का नमाज पढ़ के मैं सो गया था और फिर अभी उठा हूँ और सब ठीक ठाक हो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नन्हे बच्चों, सब ठीक ठाक हो, सेहत से ठीक है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज अमान में, और हालात भी बहुत टाइट हुए हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। अपना ख्याल, बहुत अपना ख्याल किया करो, और जो बता रहे हुकूमत और सब, मतलब बड़े हमारे बुजुर्ग मौलवी कारी साहब, आलिम और पुलिस, जो भी मतलब है, सब बता रहे बड़े बड़े, उससे बहुत एहतियात किया करो, सलाम किया करो, मुंह के साथ सलाम करो, अल्लाह कबूल करने वाले, हाथ ना मिलाया करो, हाथ थोड़ा अपने फासले में रहा करो, और मास्क पहना करो, और घर से बाहर नहीं जाया करो, फ़ायदा नहीं है घर से, बहुत घूम लिया भी कोई टाइम घर में बैठ जाओ, और ख्याल किया करो अपना बहुत, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। और ये जो बीमारी आई है कोरोना वायरस, इसने लोगों को बहुत डराया हुआ है। अल्लाह ईमान नसीब करे, मौत हक है, मौत से भागना है नहीं, वो आदमी को जिस हिसाब से अल्लाह ने लिखा है वही आएगा, लेकिन अल्लाह से कुरान हदीस में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको मौत भी ईमान वाला दे दे और सही वाला दे दे, और सब। और ये दरूद तंजीद पढ़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सूरत नूह पढ़ा करो, पानी पे दम करके पिया करो, सुबह 3 दफ़ा पढ़ा करो, रात को 3 दफ़ा पानी पे दम करके पिया करो, और क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है ये बीमारी जो जिस हिसाब से भी आई है, मतलब है तो अल्लाह इसको बेहतर जानता है, और अल्लाह की हुक्म से ही आए, चाहे ये चाइना ने कुछ किया या अमेरिका ने कुछ भी, मतलब लेकिन ये अल्लाह का हुक्म हुआ है कि ये बीमारी आए, बग़ैर अल्लाह के हुक्म से कुछ चीज़ नहीं होता है। जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ही है, सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ा करो, कुरान मजीद पढ़ा करो, और जिसको नहीं आता है पढ़ना, बेशक वो अपने दोस्त भाई घर अजीज किस से भी एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ के अपने घर पे और अपने पे दम करके बाहर निकला करो, और मास्क और हाथों पे ग्लव्स लाजमी पहना करो, और अपना ख्याल करो, और खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह सबको अपना अपने अपने। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, और अशरफ, महबूब, सोफिया नाज, और फातिमा गुल, इकबाल खान, और मेरा गुल, मेरा सोनू, और मेरा मरेज, मेरा ममरेज, मेरा फैसल खान, मेरा अबरार खान, क्या हाल है पुत्र? ठीक हो? और नईम भट्ट, क्या हाल है मेरे बच्चों? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको अपने सामान में रखे। आज मेरी बहू ने सफाई कर ली है सारी, ठीक है। अब बर्तन इकट्ठे किए हैं तो बर्तन धो रही है, तो ये देखो बर्तन धो रही है, और काम उसने सारा कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है सब कुछ। देखो सीढ़ियाँ भी साफ़ हैं किचन की तरफ। तो मेरी बेटी रोटी बना रही है, ये देखो अभी रोटी बना रही है, नमाज पढ़ी है तो कहती है रोटी बना लूँ ताकि खा के फिर जो है खाना खा के फिर जो है वजीफा करें, थोड़ा सा अल्लाह पाक को याद करें, ताकि अल्लाह पाक इस बीमारों को कुल दुनिया से जहाँ कहाँ भी आबाद है, अल्लाह पाक सबसे मुसीबत हटाए, और अल्लाह पाक सबको अपनी सामान में रखे मेरे बच्चों, और अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, अल्लाह पाक सबको, हमारे बच्चों के साथ सबको अल्लाह पाक ने सामान में रखे मेरे बच्चों। मेरी दुआ है मेरा बच्चा, और आप भी नमाज पढ़ना, दुआ करना, जो वदीफा मैंने आपको बताया मेरे बच्चा, ये हम लाजमान किया करो, इससे बहुत बरकत भी होती है, और जब इंसान फौत हो जाता है, वफात हो जाता है, तो डायरेक्ट जन्नत में चले जाता है, उसके साथ हिसाब किताब कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे जो बच्चे चैनल पे आते हैं मैं उनको यही नसीहत लगाती हूँ, तो दुनिया रहने वाली है, चंद मेहमान है इस दुनिया में, हम चंद दिन के मेहमान हैं मेरे बच्चों, तो अपने लिए कुछ कमाओ, कुछ कमाओ, ये दुनिया नहीं काम आती। तो देखो थोड़ी सी बीमारी आई है
और पहले मैं पीछे और हर बंदा जो है तो दौड़ में है, हर बंदा परेशान है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ो, दुआएं करो, हमारे लिए भी, हम आप लोगों के लिए करेंगे मेरा बच्चा, और मेरा सलाम कबूल करना मेरा बच्चा। और अल्लाह पाक को सेहत में रखे, अपनी सामान में रखे, रिज़्क रोज़ी की कमी ना दे, शैतान मर्दूद से बचाए, ज़ालिम ज़ोर से बचाए। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे, मेरे सब बच्चों के साथ, कुल मोमिन मुसलमान के साथ। तो थैंक यू, नखरे नहीं करता, लगाओ लगाओ।